एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है अमेज़ॉन से डिज़ाइनर साड़ी और ब्लाउज़ का रिव्यू। आपको पता चली गया होगा थंबनेल से, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में और काफ़ी लाइट वेट साड़ियाँ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है तो साड़ियाँ तो पहननी पड़ेंगी, लेकिन पूरे दिन भर इतनी हैवी साड़ियों को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करूँगी उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अफोर्डेबल प्राइस की साड़ियाँ और विद लाइट वेट, क्योंकि लाइट वेट साड़ी हो तो आप पूरे दिन भर उन्हें आराम से कैरी कर सकते हैं और अपना पूरा काम कर सकते हैं। फेस्टिवल सीज़न में साड़ियाँ ही पहननी पड़ती हैं। डिज़ाइनर ब्लाउज़ का भी कलेक्शन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। कुछ ऐसे ब्लाउज़ सेलेक्ट करके लेके आई हूँ जो आपकी सभी साड़ियों के साथ आप पेयर अप कर सकते हैं, लहंगे के साथ कर सकते हैं, कैसे भी आप उन्हें पेयर अप कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ही लिंक मिलेगा माई हॉल स्टोर के नाम से। जस्ट आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारी पिक्चर्स निकल के आएंगी जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, मेरी पिक्चर्स वहाँ पे निकल के आएंगी। जस्ट आपको उस पिक्चर पे टैप करना है और आप परचेज़ कर लीजिए। ये जो स्टोर है मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, क्योंकि इससे आपको ईजी हो जाएगा शॉपिंग करना, लिंक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप एक ही लिंक से शॉपिंग कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी मेरे चैनल पर वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन बिना आपको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं और आपसे वीडियो मिस हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाली साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कुछ इस तरीके की साड़ी है। एंड आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है। ये पीच कलर में साड़ी मिलेगी। मैंने साड़ियाँ उसी अकॉर्डिंग परचेज़ की हैं कि काफ़ी लाइट वेट हो, अफोर्डेबल हो, विद आप उन्हें फेस्टिवल में कैरी कर सकें या फिर आपके कोई भी फंक्शन हो आप उन्हें पहन सकें। उस अकॉर्डिंग में साड़ियाँ लेके आई हूँ। सभी की पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी। मैंने अभी तक इन्हें ओपन भी नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके की ये वाली साड़ी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज़ बताती हूँ। इसका ब्लाउज़ कुछ ऐसा मिलेगा, बिल्कुल प्लेन ब्लाउज़ है, नेट का, पीच कलर का, 80 सेंटीमीटर का, और नीचे ये वाली पर्ल वाली लेस लगाई हुई है। एंड जो पर्ल लगाए हुए हैं वो स्टिच किए हुए हैं बहुत ही अच्छे से। एंड आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ब्यूटीफुल लेस है। तो ये कुछ ऐसा इसमें ब्लाउज़ दिया गया है साड़ी में। यहाँ से ये वाली साड़ी स्टार्ट होती है। तो ब्लाउज़ जो है साड़ी में अटैच ही आने वाला है। पूरी साड़ी है जो नेट की है। एंड आप देखिए कितना प्यारा नेट है। नेट भी ऐसा नहीं है बहुत टाइट वाला हो, सॉफ्ट नेट है एकदम, तो बहुत ही प्यारा लगेगा, प्यारी लगेगी ये वाली साड़ी वियर करने के बाद। एंड देखिए यहाँ से ये वाली साड़ी स्टार्ट होती है। एंड छोटे छोटे से इस पर ये वाली एम्ब्रॉयडरी की हुई है। एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जरी का काम किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे से ये वाले सितारे लगाए हुए हैं पूरी साड़ी में। आपको ऐसे बूटे मिल जाएंगे और छोटे छोटे ये वाले बूटे भी इन्होंने बीच बीच में लगाए हुए हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल मिलने वाली है ये वाली साड़ी। कलर बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस साड़ी का। शायद एक कलर और अवेलेबल है अमेज़ॉन पे इस साड़ी का, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज़ कर लेना। मुझे ये वाला कलर ज़्यादा पसंद आया, तो डेफ़िनेटली आप ये वाला कलर ट्राई कर सकते हैं फंक्शंस में या फिर फेस्टिवल सीज़न में, या फिर आप नॉर्मल में भी वियर करते हैं तो भी बहुत अच्छी लगेगी। कि ये वाला कलर सब में चल जाता है, कैसा भी फंक्शन हो, ओकेज़न हो, सब में बहुत प्यारा लगता है। तो डेफ़िनेटली ट्राई करना ये वाली साड़ी। एंड पूरी साड़ी ऐसी मिलने वाली है। नीचे की साइड इन्होंने पूरे पे ये वाला डिज़ाइन दिया हुआ है, ऊपर ये प्लेन मिल जाएगी। अब जहाँ से आप सेकंड वाला राउंड लेते हैं तो वहाँ से ये वाला जो वर्क है और लेस है वो पूरे में मिल जाएगी आपको। दोनों साइड मैं आपको इस तरीके की दोनों साइड मिल जाएगी। एंड आप देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्होंने ये वाला पल्ला दिया हुआ है। चारों तरफ इसमें ये वाली लेस लगाई हुई है। लेंथ की बात करते हैं 5.5 मीटर की साड़ी है। बहुत ही अमेजिंग और लाइट वेट साड़ी है। तो डेफ़िनेटली आप इस साड़ी को ट्राई करना, पहनने के बाद बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा इस साड़ी का। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो देखो कितनी ब्यूटीफुल है, दिख रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। मुझे तो मतलब जब मैंने रिसीव हुई थी तभी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी। इसका कलर बहुत प्यारा है। ये साड़ी टील ब्लू कलर में है। आप देखिए इस साड़ी को, इतनी ज़्यादा लाइट वेट है कि मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मैंने कोई साड़ी अपने हाथ में उठा भी रखी है। तो पहनने के बाद आप इसे पूरे दिन भर आराम से कैरी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फंक्शंस में, ओकेज़न में, सब में चलने वाली है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से काम करिए इसे पहन के। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको इसका ब्लाउज़। इसका ब्लाउज़ ऐसा टील ब्लू कलर का ब्लाउज़ है। टैफेटा सिल्क का इसका ब्लाउज़ मिलेगा। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर का पूरा ये ब्लाउज़ पीस इन्होंने दिया हुआ है। तो आपकी ये आराम से फिटिंग में आ जाएगा। अगर आपका साइज़ एक्सेल डबल एक्सेल है, थोड़ा हैवी है वही, तो भी आपके आराम से आ जाएगा। नीचे की साइड इन्होंने पॉम पॉम वाली लेस लगाई हुई है ब्लाउज़ में, तो कुछ इस तरीके का ये वाला इन्होंने ब्लाउज़ पीस इसमें अटैच ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं साड़ी की। साड़ी पूरी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, कलर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जितनी मुझे पिक्चर में दिखी थी अमेज़ॉन पे, उस मतलब मैंने सोचा नहीं था इतनी प्रिटी साड़ी आएगी ये वाली। और आप देखिए ये पूरा टील ब्लू कलर की साड़ी है। नीचे की साइड पूरे इन्होंने ये वाले इसमें सितारे लगाए हुए हैं। अब आपको मैं पास से दिखाती हूँ। देखो ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है पूरे पे बारीक बारीक धागों से, और बीच बीच में ये पूरे सितारे जो है ना, ये इन्होंने स्टिच नहीं किए हैं, चिपकाए हुए नहीं हैं, स्टिक हैं ये। तो आराम से वॉश करने के बाद भी नहीं जाएंगे। ड्राई क्लीन करा लो, घर में वॉश कर लो हाथ से। अगर नॉर्मल इजी में भी वॉश करेंगे तो भी नहीं जाएंगे। वैसे ऐसी साड़ियाँ कोई घर में वॉश भी नहीं करता है डेली में, तो ये वाले सितारे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। आप देखिए कितना प्यारा है कलर इसका, और आप फंक्शन से पहनेंगे तो ये वाली साड़ी कितनी ज़्यादा प्रिटी लगने वाली है। एक मिनट, पूरी आपको यहाँ पे स्टार्ट होते हैं जहाँ पे ऊपर से प्लेन मिलेगी, नीचे की साइड ये वाला पूरा डिज़ाइन मिल जाएगा इसमें आपको। अब जहाँ से सेकंड वाला राउंड स्टार्ट होता है, तो वहाँ से इन्होंने क्या किया है, डिज़ाइन दिया हुआ है। देखो साइड में भी ये वाला जो डिज़ाइन होता है ना, वो वाला दिया हुआ है साइड में भी। और पूरी साड़ी हैवी मिलेगी। आप देखिए इतनी प्यारी साड़ी है, कितना हैवी इन्होंने ये वाला इसमें इसका आंचल दिया हुआ है। आंचल पे भी इन्होंने ये सेम पॉम पॉम लगाए हुए हैं। एंड आपको बहुत ही अच्छे से दिख रही होगी एम्ब्रॉयडरी। आई होप आपको दिख रही हो कि किस तरीके के सितारे हैं, एम्ब्रॉयडरी है। मैंने काफ़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। एंड आप देखो कितने ब्यूटीफुल हैं। देखो पास से दिखाती हूँ इस तरीके के। तो पूरा ये वाला हैवी आपको आंचल मिलने वाला है। इसलिए मुझे साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी, बहुत ही अमेजिंग साड़ी है। अगर आपका कैसे भी नॉर्मल फंक्शन से लेकर आप इन्हें कैसे भी वियर कर सकते हैं। दोनों साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अफोर्डेबल प्राइस में है, लाइट वेट में है। तो डेफ़िनेटली आप इस साड़ी को ट्राई करना। और लेंथ की बात करें, वही 5.5 मीटर की लेंथ है। तो ये वाली साड़ी कुछ ऐसी आपको मिलने वाली है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ब्लाउज़। ब्लाउज़ के लिए सबसे पहले मैंने ये वाला ब्लाउज़ सेलेक्ट किया था। काफ़ी ढूंढा, सर्च किया, कुछ ऐसे ब्लाउज़ के कलेक्शन लेके आई हो जिन्हें आप लहंगे वगैरह के साथ, स्कर्ट वगैरह के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। तो ये वाला ब्लाउज़ क्या है, मैं काफ़ी टाइम से परचेज़ करने की सोच रही थी, लेकिन मैं परचेज़ नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली मैंने ये वाला ब्लाउज़ परचेज़ कर लिया है। ये पूरा फ्लावर प्रिंट में ब्लाउज़ मिलेगा। अगर आप इस तरीके के ब्लाउज़ बाहर से मतलब मार्केट से लेते हैं ना, तो 2000 से कम आपको ब्लाउज़ अगर स्टिच भी करवाते हैं तो आप कपड़ा लेंगे, अलग से स्टिच करवाएंगे, वही 1500-2000 का ये वाला ब्लाउज़ बैठेगा। तो ये वाला ब्लाउज़ ओनली, मुझे याद नहीं है कितनी रेंज में, स्क्रीन पर डाल दूंगी। तो ये वाला ब्लाउज़ कुछ इस तरीके का मिलेगा, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। सबसे अच्छी बात है कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है। इस तरीके के ब्लाउज़ आप अगर सिल्क की साड़ी के साथ पेयर अप करेंगे, ये टील कलर की साड़ी के साथ पेयर अप करना, पिंक कलर की साड़ी के साथ, ग्रीन, कोई सी भी साड़ी के साथ अगर सिल्क में पेयर अप करेंगे तो ये वाला ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। शिफॉन की साड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा। और आप चाहे तो स्कर्ट के साथ इन्हें एज ए क्रॉप टॉप पहन सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आएगा इस वाले ब्लाउज़ का। तो कुछ इस तरीके का ये वाला ब्लाउज़ मिलेगा। पीछे की साइड ये पूरा ब्लाउज़ ओपन होता है। पूरे ब्लाउज़ में इन्होंने यहाँ पे हुक लगाए हुए हैं। और इसकी स्लीव्स की बात करें तो ये हाफ़ स्लीव्स में ब्लाउज़ मिलेगा। राउंड नेक है, राउंड नेक है, बॉट वाली नेक है, बॉट नेक है ये वाली, तो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। पैडेड ब्लाउज़ नहीं है, पैड नहीं आए हैं इस ब्लाउज़ में। तो कुछ इस तरीके का ये वाला ब्लाउज़ मिलेगा। अगर मैं फैब्रिक की बात करती हूँ तो ये वाला ब्लाउज़ सिल्क में है, टैफेटा सिल्क वाला फैब्रिक ही है शायद। इसका मैं अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, पर वो सिल्क फैब्रिक में है, थोड़ा शाइनी मटेरियल ही है। और अंदर की साइड इन्होंने इसमें इनर लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का ये वाला ब्लाउज़ मिलेगा। चैन इन्होंने साइड में नहीं दे रखी है, पीछे की साइड हुड दे रखे हैं। साइड चार्ट देख के परचेज़ कर लेना। और ये वाला ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। मैं इसे पेयर अप करने वाली हूँ किसी भी साड़ी के साथ या फिर स्कर्ट के साथ। तो अमेजिंग लुक आने वाला है। अब जो नेक्स्ट ब्लाउज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ब्लैक ब्लाउज़। कुछ ऐसे ब्लाउज़ होते हैं जो आपकी वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। ब्लैक हो गया, फ्लावर प्रिंट हो गया, ये क्या है, सभी साड़ी के साथ आराम से कैरी कर सकते हो आप, और ये होने ही चाहिए आपके पास। पर आजकल क्या है, रेडीमेड ब्लाउज़ ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, बजाय स्टिच कराने के वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो ये वाला ब्लाउज़ कुछ इस तरीके का मिलेगा। इसमें कलर ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, देख के परचेज़ कर लेना जो भी परचेज़ करना हो। साइड चार्ट और कलर, मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगा था। क्या है, ब्लैक कलर सबके साथ पेयर अप कर सकते हो आप, इसलिए तो है ना। इसके साथ अगर आप है ना बेज कलर की सिल्क वाली साड़ी पहनो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला ब्लाउज़ लिया है। ये ब्लाउज़ आप देखो कितना ज़्यादा प्रिटी है, और ये जो वर्क है ये प्रिंट नहीं है, ये वूवन वर्क किया हुआ है, जो होता है वूवन वाला प्रिंट है ये वाला, तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ईज़िली आप इसे वॉश कर सकते हो, घर में ईजी हैंड से वॉश करना बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा बोलते हैं कि चले जाता है, नहीं, आप अगर ईजी हैंड से वॉश करोगे तो नहीं जाएगा। घर में मशीन में मत डालना, नॉर्मल हाथों से ही वॉश करना। तो इस तरीके की इसमें आपको स्लीव्स मिल जाएंगी, पैडेड ब्लाउज़ है, और इसकी नेक भी जो है बॉट नेक मिलेगी, ऐसी गोल राउंड वाली नहीं है, बॉट नेक में ही आएगी। एंड पीछे की साइड ये वाला इन्होंने इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। एंड आप देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा दिया है, टसल्स लगवाए हुए हैं, डोरी दी हुई है पीछे। पैडेड ब्लाउज़ है ये वाला, और इसमें चैन किसी में भी नहीं दिया। ये ब्लाउज़ भी पीछे से ओपन होता है हुक वगैरह से, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के, साइड चार्ट देख के परचेज़ कर लेना। अंदर की साइड इसमें इनर भी लगवाया हुआ है। एंड काफ़ी अच्छा और अमेजिंग ब्लाउज़ है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, विद अफोर्डेबल प्राइस में, किसी के साथ भी कैरी करो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। अब जो नेक्स्ट और लास्ट ब्लाउज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है पिंक कलर में। इसमें भी कलर ऑप्शन अमेज़ॉन पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, देख के परचेज़ करना। मुझे पिंक कलर काफ़ी अच्छा लगा। अब ये जो है ना आई है, मुझे पता नहीं पिक्चर में क्या लग रहा था कि ये क्या आएगा, शायद मैंने सोचा था कोई वर्क वगैरह जैसे सितारे टाइप में, पता नहीं मुझे क्या दिख रहा था, पर जब मिला था अभी एम्ब्रॉयडरी मिली, और रियली बहुत ब्यूटीफुल है। ये स्लीवलेस ब्लाउज है, इसमें स्लीव्स अंदर नहीं आई है, स्लीव्स नहीं आई है। तो अगर नहीं पहनते तो आपको अलग से अटैच करवानी पड़ेगी, या तो मार्केट से परचेज़ करके किसी भी पेयर अप करके नेट वगैरह की, या फिर ये वाला कपड़ा भी सिंपल मिल जाएगा तो अटैच करवा लेना। नहीं तो ये वाला ब्लाउज ऐसे सिंपल आएगा, बस ऊपर की साइड इसमें गोल्डन वाली जरी की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, सेम पीछे दी हुई है, वही बॉट नेक आएगी। पीछे की साइड इन्होंने ओपन करने के लिए हुक्स दिए हुए हैं। फैब्रिक वही है सभी ब्लाउज का, सिल्क टाइप में ही फैब्रिक है, वही टैफेटा सिल्क टाइप में। और कुछ इस तरीके का ये वाला ब्लाउज़ मिलेगा। पैड वाला ब्लाउज़ नहीं है, विदाउट पैड है, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आने वाला है। ये एज ए क्रॉप टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए कितना प्यारा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप इसे वाइट कलर के साथ, ब्लैक कलर के साथ, इवन येलो कलर के साथ पेयर अप करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा साड़ी और वगैरह के साथ। तो कुछ इस तरीके का ये वाला ब्लाउज़ मिलेगा। ये जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है ये मैंने परचेज़ की है मीशो से। इसका कोड मैंने मीशो की ऑलरेडी इसकी वीडियो शेयर की हुई है, नहीं देखी है तो मीशो प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे क्रिएट की है, वहाँ जाके देख लेना। नहीं तो मैं इस कुर्ती का लिंक, सॉरी, मीशो पे लिंक नहीं होते हैं, कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इन्हें इसे परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे, तो मैंने बता दिया है, इस कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़े, और मैं आपके साथ और अच्छे अच्छे हॉल शेयर करूं। और जो भी हॉल देखना चाहते हैं कमेंट करके बताना, इनमें से कौन सी साड़ी और ब्लाउज़ अच्छा लगा वो कॉमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।